अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अस्सलाम वालेकुम, हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आपने ड्रामा कमज़र्फ की एपिसोड नंबर 5 देखी है। जैसा कि आप जानते हैं, आयमा की जिद की वजह से फौजिया हाजिर की दुल्हन बनकर घर तो आ जाती है, मगर अजहर फौजिया को बिल्कुल लिफ्ट नहीं देता बल्कि पछतावों में घिर जाता है। फौजिया बादरूहों की तरह अकेली घर में मंडलाती रहती है, ऊपर से आयमा की कातिल जुबान जो लोगों के दिल तोड़ने की माहिर होती है फौजिया को उसकी याद दिलाती रहती है, ताने मारती रहती है, उनको उनकी सेहत के ताने मिलते रहते हैं, अपनी बर्तरी जतलाती रहती है, घर आए उसकी माँ की इज्जत बिल्कुल नहीं करती। इस जैसी औरत का तोड़ तो सिर्फ नबील ही होता है, उसकी सारी अकड़ वही तोड़ना जानता है, उसकी झूठी तारीफें करके उसका दिमाग मजीद ख़राब करता रहता है। आखिर को उसका ब्लैंक चेक होता है, उसकी तारीफें क्यों ना करता, क्योंकि वो उसी को कैश करवाना चाहता है। आयमा को शीशे में उतार कर फौरन पैसे का मुतालबा कर देता है, उसको पता भी नहीं चलने देता कि वो पहले से ना सिर्फ शादीशुदा है बल्कि एक बेटी का बाप भी है। आयमा को खूब सब्ज़ बाग दिखाता है, भला वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को हाथ से कैसे जाने देता। उधर फौजिया, जो कि अजहर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, सिर्फ उसकी ज़िद का नतीजा होती है, उसका हुलिया उससे और भी उसको दूर रखता है, उसे कलाम तक नहीं करता, कि अचानक से उसके दफ्तर में गेट टुगेदर हो जाती है, वहाँ उसके लिए जाना पड़ जाता है, उसका कोई बहाना काम नहीं आता, मजबूरन उसे लेकर जाता है, तो वहीं पर उसका आमना सामना निमरा से हो जाता है। दोनों एक दूसरे से गिले शिकवे करते हैं। अजहर को पछतावा होता है, वो उसे वादा करता है, मैं अपनी बीवी को छोड़ दूंगा, तुम अपने शोहर को छोड़ दो, हम फिर से एक हो जाते हैं, हम गुजरे हुए वक्त को वापस ले आते हैं। फौजिया से पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही होती है, बर्दाश्त नहीं कर सकती, बेहोश होकर गिर जाती है। सारे लोग जमा हो जाते हैं, तरह तरह के सवाल करने लग जाते हैं कि आखिर क्या हुआ, अभी तो ठीक ठाक थे, खुश थे। तमाशा बन जाता है, इससे पहले कि मज़ीद तमाशा ज़्यादा होता, निमरा को उसका शोहर फौरन वापस लेके चला जाता है। आज़र को अपनी पड़ जाती है, फौजिया को लेकर घर आ जाता है, और यूँ उसकी सारी प्लानिंग एक बार फिर से धरी की धरी रह जाती है। मज़ीद जानने के लिए देखें एपिसोड 6। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी।